नमस्कार है जी सभी को, राम राम जी, सलाम सत श्री अकाल जी। ये देखें दोस्तों, मम्मी का आराम है जी, मम्मी अब ठीक हैं और पापा जी अभी को पकड़ रहे हैं। बबलू भाई दोस्तों कुबोटा लेकर चल रहे हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा पानी बिखर गया था, इसे साफ़ करेंगे। अब ये कुबोटा लेकर चलेंगे दोस्तों। बार बार देखो बारिश भी आ रही है, बंद हो रही है, आ रही है, बंद हो रही है। तो बबलू भाई कुबोटा लेकर चलेंगे जी, हल्की हल्की जुताई करेंगे, फिर दोस्तों थोड़ी सी ये पंखड़ी चला के देखेंगे कि मिट्टी अब चढ़ने का टाइम आ रहा है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, अगर कभी भी आंधी तूफान आ गया तो गन्ना अब गेहूँ का इतना बड़ा हो गया है कि जैसे कल सुजीत भाई भी आए थे, पापा जी भी कह रहे हैं कई दिन से, हमें खुद भी लग रहा है कि गन्ने पर अब जो मिट्टी चढ़नी चाहिए। क्योंकि अब से करीब 1.5 से 2 महीने पहले गेहूँ के गन्ने पर मिट्टी चढ़ गई थी हमारे यहाँ, जो सर्दी विधि थी, तो इस पर भी अब चढ़ जानी चाहिए। क्योंकि जो नीचे के रिंग हैं वे पतले पड़ जाते हैं, गन्ना बढ़न पर पड़ता है, ऊपर की साइड में वजन बढ़ता है, तो नीचे मिट्टी जो है, जो इंग्लिश में अर्थिंग अप कहते हैं या सोयल अप कहते हैं मिट्टी चढ़ाना, तो वो काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पंखड़ी चलेगी बिजनौर वाली जो है, नागल सोती में जो लाए थे, जो ये असली पंखड़ी वहाँ से बन के चली थी। तो दोस्तों बबलू भाई लेके चलेंगे कुबोटा को, चलो जी। हाँ रुकिए, यो है यो भी लग रही है। हाँ और भाई यो भी लग रही, चारों लग रही, चारों ओके हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों का साथ है, इतना ध्यान तो रखना ही पड़ता है। रास्ते में कुत्ते क्यों भौंक रहे? दोस्तों बारिश फिर से आ गई है। वाई यू पार्किंग थिंग टॉन्ग दोस्तों, तो चारा भी नहीं कटा, खेत में आई है रोटावेटर भेजने के चक्कर में, कभी तेल गेरो कभी कुछ करो। तो दोस्तों अब मैं लगूंगा अपने काम पर जी, बारिश आ रही है देखो बराबर। तो दोस्तों यही है कि अगर इसी तरह से हम आलस्य करते रहे तो हमारा जो है किसी भी तरह से मिट्टी नहीं चढ़ पाएगी खेत में। ये देखें उठ गया था, क्योंकि तो दोस्तों रूटावेटर में वजन है जी, ये जो आम रूटावेटर छोटे आते हैं उनसे ज़्यादा वजन है इसमें, तो एक बार मुझे अभी को उतारना है वहाँ। ओह दोस्तों मैसी गोअर इन्हें बाय बोलते हुए अब चल रहे हैं जी फटाफट खेत में। बबलू भाई जा चुके हैं रूटावेटर से जुताई कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ जो है पहले टोटल चारा जो था कल का बचा हुआ, थोड़ा भुस्सा मिला के इन्हें कर दिया है, कटिया खा के बैठ गई है। और दोस्तों अब जो है दोपहर में खाना खा के बच्चों को स्कूल से ला के नहा धो का आराम करके फिर दोस्तों शाम को काटेंगे। तो शाम को क्या होगा, आधा चारा इन्हें डल जाएगा, इतने ही खोर भी खाली कर लेंगे अपनी। तो इसलिए दोस्तों वहाँ ढेर लगाना सही नहीं है, वहाँ बस ही होगा वो कट के, फिर खोरों में पड़ा हुआ जो है वो ख़त्म नहीं होगा, तो दोस्तों इसलिए चारा ख़राब होता है। तो फालतू लगाने का और थोड़ा देर से काटने का ये बेनिफिट रहता है। अब हम अपने दूसरे काम से चल रहे हैं, आज हमें चारा नहीं लाना पड़ा है, छावे में खड़ा है आराम से। तो दोस्तों चल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ खेत में। बोलूँ भाई कौन से खेत में चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। उधर मुन्नू आ गया है सब्जी लेने, पापा मम्मी सब्जी ले रहे हैं। अब यहाँ बजरंग बली के पास आ गए हैं जी, आशीर्वाद लेने। जय बजरंग बली, जय हो नीम बाबा। और यहाँ बाबा लग रहे हैं जी इसमें अभी दोस्तों। इधर तो ये पेड़ के नीचे तो थोड़ा छोटा है, बाकी इधर दिखाता हूँ आपको, इधर बिल्कुल भीषण हो रहा है जी। यहाँ देखो तीन तीन चार चार जुड़े मिलाने पड़ रहे हैं बाबा को। ये धोरा भी अभी थोड़ा छोटा है, इसे बाद में बंधेगा ये, लेकिन फिर भी धोरे पर गन्ने बहुत हो जाएंगे क्योंकि मिट्टी रपटती है, तो थोड़ा ऊंचा हो रहा है कुछ, इसे पशुओं ने भी तोड़ा 2-3 बार। तो दोस्तों यहाँ से हो रही है बंधाई, देखो ये चार चार मिलवा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इसे संभाल पाना, अब आगे ऐसे ही रुकेगा ये, चौपाया तिपाया भी नहीं रुकने का। देख लो ये देखो आप सामने, ये देखो क्या हो गया। तो कोरल जी टर्मिनेटर दवाई अपने आप में इतनी बेहतरीन है, इस तरह से बचाती है गन्ने को, ये क्या कहने। बाबा लगे हुए हैं अंदर। दोस्तों मिंदर आज अपनी ससुराल जा रहा है दावत में, तो ये देखो जी अंदर बहुत बढ़िया गन्ने की बंधाई चल रही है। तो दोस्तों हम भी चल रहे हैं एक बार बबलू भाई के पास में ही। इधर ये नवीन का गेहूं का बहुत बढ़िया होगा, बाकी पेडी टनाटन चल रही है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बांध रहे हैं और बाबा भी बांध रहे हैं। तो दोस्तों हाथ को हाथ धोता है, अब चल रहे हैं जी यहाँ से। टेड्डी को मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, देखो ये देखो जी पीछे से, इधर ये बंधाई चल रही है देखो, यहाँ कितना शानदार, ये देखो।
और दोस्तों अभी जो है रक्षाबंधन पर आप देखो पेडी की ये हालत है, ऊपर वाला ठीक ठाक रखे और हमें हिम्मत दे, आप सभी का प्यार आशीर्वाद सपोर्ट मिलता रहे और हम इसे गिरने न दें, ठीक ठाक गन्ने को सीधा ही चलता रहने दे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, बंधने से भी नुकसान नहीं होता, अगर माल है और माल जबरदस्त है तो ही तो बंधवाना पड़ रहा गिर रहा, अन्य अगर देखो अभी वो खेत छोटा है तो उसे नहीं बंधा, ना वो बंध रहा ना वो गिर रहा, लेकिन जब वो माला माल होगा खेत तब उसे जरूरत पड़ेगी बंधने की। तो बंधाई भी बुरी बात चीज़ नहीं है, अगर सदी विधि है ये सदी विधि मानी जाएगी। 42 इंची गन्ना है तो ये जो है ट्रेंच को फेल करता है हर जगह, 42 इंची गन्ना हमेशा ज़्यादा निकलता है। वहाँ से आगे हैं जी और अब यहाँ जो है अंदर चल रहे हैं, चक में बबलू भाई के पास में चल रहे हैं जी। अब आ गए हैं जी यहाँ, देखते हैं बबलू भाई ने ज़्यादातर खेत जो है कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही बढ़िया, ये देखें जी ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बबलू भाई चला रहे हैं इसे और देखो जी ऐसा हो रहा है, फिर ये ऐसा हो जाएगा और बहुत बढ़िया मिट्टी चढ़ेगी। उधर वो 018 जुत गया है तो दोस्तों अब मिट्टी चढ़ा देंगे क्योंकि आगे इसे खतरा है, गन्ना इसी स्पीड से बढ़ रहा है गेहूँ का, कि ये गन्ना आगे चल के अगर ज़्यादा दिन बारिश होगी लगातार, अब मौसम बढ़िया है जुताई के हिसाब का, तो गन्ना हमारा ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों मैं अपना खाना खाकर बबलू भाई का खाना लेकर आऊँगा और दोनों तीनों खेत जोतेंगे और दोस्तों फिर जो है मौका लगते ही दोनों तीनों पर मिट्टी चढ़ा देंगे, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। अब चलते हैं जी एक बार घर, मौसम बढ़िया है, बार बार बूंद आ रही है, बार बार खुल जाता है और दोस्तों अमरूद तो खाने लायक है नहीं, पके हुए कच्चे ही खाने पड़ते हैं क्योंकि पके हुए में कीड़ा निकलता है। तो ये देखे जी बबलू भाई जो है इसे एक बार इधर साफ कर दूं, क्या साफ कर दूं, रहन दूं। चलो साफ सही है, तो दोस्तों रोटावेटर की इतनी पकड़ है कि अगर रेस ना दे तो ट्रैक्टर को दबा देता है, लेकिन चीज़ बढ़िया है जी, दिमाग लगाया, ट्रैक्टर भी छोटा रोटावेटर भी छोटा तो काफ़ी मदद मिलती है किसानों को, ऐसी बात नहीं है। और ट्रेंच में थोड़ा गैप मिल जाता है क्योंकि गन्ना जो है ऐसा नहीं है कि एक आँख से एक या दो ही पौधे निकलेंगे, वो तो पूरे वर्ष निकलते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक साल होगा दो ही साल होगा, ये तो कई कई साल गन्ना जो है होता रहता है। बाकी पेड़ की छेल में दिक्कत आती है इसे और ज़्यादा घना बोने से दिक्कत आती है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा ये जेड पट्टी जो हमने बोया था ऐसे ऐसे करके कैसा निकलता है, बाकी देखने में तो सही लग रहा है जी, गन्ने भी काफ़ी मिल गए हैं। अब चलते हैं जी घर फटाफट मोटरसाइकिल ले कर। और दोस्तों ये शुक्र है कि तेंदुआ जो है बड़े मज़े से रह रहा है जी खेतों में, जो मदर तेंदुई है वो अपने बच्चों के साथ में आराम से रह रही है। लेकिन दोस्तों एक बात सोचने की भी तो है, अगर उसके साथ में बच्चे हैं तो उनसे कुछ दूरी पे या उनके आसपास में मेल भी ज़रूर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं पड़ा कि किसी पे हमला हुआ हो या किसी का पालतू जानवर जैसे झोटा है बैल है या घूमने फिरने वाली गायें हैं इन पर कोई हमला नहीं हुआ अभी तक, या हमारे गाँव के कुत्ते हैं उन पर कोई हमला नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो जंगल में रह रहा है, बिल्कुल प्योर जंगल के हिसाब से रह रहा है, किसी भी तरह से परेशान ना हो रहा ना किसी को कर रहा। तो दोस्तों यही है, ऐसी जगह ज़्यादा पसंदीदा रहती है उनकी, पेड़ों पर ऊपर चढ़ के ही ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे झाड़ वाले नहीं, मतलब ऐसे पर तो जब चढ़ेगा जब से खतरा होगा या कुछ देखना है ऊपर चढ़ के, बाकी बड़े पेड़ पर चढ़ता है जिसपे मोटे डाले हों, जिसपे उसके जो चेस्ट है पूरी पेट और चेस्ट उसका आराम से टिक जाए और वो फिर अपना आराम से सो जाए। तो चलते हैं जी स्टार्ट कर लेते हैं मोटरसाइकिल को। दोस्तों घर आ गए हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है और अब फटाफट जो है खाना खा के तुरंत ही चले चलते हैं साथ के साथ ही। दोस्तों खाना खा के आ गए हैं ऊपर से और पापा जी और मम्मी आराम कर रहे हैं जी यहाँ, थोड़ी देर में बच्चों का टाइम होगा। तो दोस्तों मैंने तो खाना खा लिया है और मैं बबलू भाई का लेकर चल रहा हूँ टिफिन में खाना। और दोस्तों आज हमारे यहाँ झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगी, गोबर भी नहीं भरा गया देखो, और चारा भी नहीं कटा, तो हम इसे अब जो है शाम की शिफ्ट में करेंगे। बाकी मैंने इन्हें फिट कर दिया था जी, चारा वारा करके जो बचा हुआ था उसमें थोड़ा भूसा मिला के इन्हें रात तक डाल दिया था जी।
तो यही है दोस्तों, अब जो सुबह काम करना था हम शाम को करेंगे, तो यही है, इससे जो है चारा ख़राब नहीं होता। तो ये देखें मैसी पूरा चमक रहा है जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि दोस्तों डीजल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुण होता है कि वो गई हुई है पेंट को भी, और जो बॉडी पे कोई ग्रीस चिपक रहा है, मिट्टी चिपक रही है, जंग चिपक रहा है, धीरे धीरे उसे छुटा देता है। अब इसे 2-3 दिन बाद जब हम जो है धोएंगे सर्फ से और प्रेशर से, तो ये बहुत बढ़िया चमकेगा, बहुत ही अच्छा। तो डीजल का फ़ायदा मिलता है, ऐसी बात नहीं, जंग वाली चीज़ पे ज़रूर लगाना चाहिए, तो उससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। ये देखें आप, यहाँ इस पर मांझे पे लगा दिया था, आप इसकी चमक देखो कितना जंग चमक रहा था, अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल इसे आज ही खरीद कर लाए हों। ये देखो बारिश पड़ गई थी इस पर थोड़ी सी, कितना साफ हो गया। तो ये चीज़ है, ये डीजल की करामात है जी। तो अब चले चलते हैं दोस्तों, बबलू भाई का खाना लेकर खेत में।